थोड़ा सा छोटा साइज लाइक इस तरीके से, एंड उसके अंदर भी आपको एक सबसे छोटा स्मॉल, ओ सॉरी माय मेस अप बोलते, मुझे एक मूवी याद आ गई, आपको याद है ना वो अब्बा डब्बा चब्बा जिसमें बोलती थी, उस टाइप की मूवी पता नहीं कौन सी थी वो, तो उस वो मूवी कौन सी थी अगर आपको उसका नाम याद आ गया। Hey guys, welcome or welcome back to my channel. So this channel is Iconic Surbhi and I am your Surbhi. So in today's video, I am going to be share a very very huge Meesho haul. And ये haul में कुछ भी आज makeup नहीं है, jewelry नहीं है, and this haul not gonna be you know all about makeup, clothing, jewelry and skincare products. This is something new on my channel and first time I am doing this haul. Just because ये कुछ ऐसी essential चीज़ें हैं जो हमारे kitchen में, household में and daily life में काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं and these things makes our you know daily life easy and तो यही कुछ है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग भी हो सकती है एंड हर एक पार्ट को, हर एक पीस को आप बिना स्किप किए देखना, क्या पता इसमें से कुछ आपके काम आ जाए। दिवाली आने वाली है एंड काफ़ी लोग अपने घर की सफाई कराते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा यू नो मॉडरेशन करते हैं अपने घर में एंड इनोवेशन भी करते हैं। सो अगर वो कुछ बदलना चाहते हैं अपने घर में, किसी सामान से परेशान हो गए हैं, बोर हो गए हैं या फिर किसी सामान की ज़रूरत है, तो वो आज शायद आपको इस हॉल में मिल जाए इन द अफोर्डेबल कैटेगरी। सो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो एंड तक देखना एंड उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस कर देना रेड बटन को, देन यू विल बी नोटिफाइड विद माय एवरी सिंगल वीडियो। जब भी आप यू नो मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको मिल जाएगी, एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, सब्सक्राइब कर देना रेड बटन से एंड प्लीज़ येलो कलर की बेल को क्लिक कर देना। ऑल्सो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड जो भी आपको यूजफुल लगाओ प्लीज़ यू कैन कमेंट डाउन बिलो। सो या लेट्स बिगिन विद द वीडियो गाइस। अगर आपको मेरे चेहरे पे और मेरे बॉडी पे स्वेटिंग दिखे तो प्लीज़ जस्ट लेट इट बी, इग्नोर दैट, जस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है एंड जिस पोर्शन में मैं शूट करती हूँ वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यू नो टेम्परेचर हाई होता है यू नो समर्स में, तो ऐसी प्रॉब्लम मुझे होती रहती है। बाय द वे इट्स माई वर्क, तो मुझे करना ही था। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पीस मैं आपको दिखाऊंगी जो मेरे बिल्कुल साइड में रखा है, जस्ट बिकॉज मैंने बहुत सारा सामान लिया और इतने इतने बड़े पैकेजिंग में आया है, लाइक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में, लुक्स लाइक दैट। सो इसमें मैंने कुछ ऐसे करके ड्रॉर्स मंगाई थी, आप ड्रॉर कह सकते हो या फिर आप बास्केट या बकेट कह सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको तीन का सेट मिल जाएगा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। तो इस यू नो बास्केट में आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो इस बास्केट को, इसका काफ़ी अच्छा बड़ा साइज़ है, लाइक लुक इट दैट, इतना बड़ा इसका साइज़ आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आपको थ्री कलर्स में अवेलेबल मिल जाएंगे। देन इसके साथ में आपको ये ट्रे करके इस तरीके से ऊपर ऐसे लगाने का ट्रे के टाइप में भी यूज़ कर सकते हो एंड यहाँ पे इसको आप इसको लॉक करके बंद भी कर सकते हो लाइक इस तरीके से। एंड यहाँ पे आपको एक विंडो दी हुई है जिसके हेल्प से आप इसको होल्ड कर सकते हो आराम से, सामान के साथ उठा के इसको कहीं लाइक एक जगह से दूसरी जगह यू कैन शिफ्ट दिस बॉक्स और बाकेट, वट एवर यू वॉन्ट टू से टू इट, तो आप इस तरीके से यू कैन यूज़ दिस बॉक्स। तो ये मैंने थ्री का सेट लिया था एंड कितने प्राइस में है वो आपको साइड में स्क्रीन शॉट एंड प्राइस दोनों मैंशन हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता है, लाइक काफ़ी टाइम पहले मैंने ये सामान मंगाया था और मेरे घर में एक्चुअली वजह क्या है ये हॉल करने की, ये सामान मंगाने की, दैट्स वाई, जस्ट बिकॉज मेरे घर में इनोवेशन चल रहा है, पेंट चल रहा है, तो मैंने सोचा कि काफ़ी कुछ चेंज करना है एंड मम्मा को भी चाहिए था कि हाँ ठीक है चेंज करते हैं चीज़ों को, थोड़ा यू नो कस्टमाइज़ करते हैं, थोड़ा मैनेजमेंट करके रखते हैं, तो इसीलिए हमने यू नो शॉपिंग की है एंड सामान को ऑर्डर किया है। तो इस तरीके से आपको ये बकेट एंड बास्केट्स मिल जाएंगी। क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा स्टडी है, नॉट इट्स नॉट लाइक अ फ्लिमजी टाइप ऑफ क्वालिटी, काफ़ी ज़्यादा स्टडी, अच्छी मटेरियल की क्वालिटी है, तो आप इसको मल्टीपर्पज़ वे में यूज़ कर सकते हो, किचन में, मेकअप में एंड कुछ भी अपना सामान आप अपने यू नो स्टोर रूम में ऐसे करके इसमें स्टोर करके रख सकते हो। सो दिस इज़ अ थम्स अप प्रोडक्ट, आप डेफिनेटली इसको एक बार। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो एक किचन यू नो मटीरियल है, लाइक दिस इज़ द किचन यूजेज में आने वाला प्रोडक्ट और ये इस तरीके से पैक होके आया था, डब्बे में फंस जाता है यार, मैं बार बार इसको निकालने की बहुत कोशिश करती हूँ। सो इट इज़ लुक्स लाइक दैट, ये है एक कप स्टैंड, सो यू कैन हैंग योर कप्स इन दिस स्टैंड एंड इस तरीके से आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आपको 12 इस तरीके से डॉट्स मिल जाएंगे, सो यू कैन हैंग ऑन दिस। और ये कोई एक नहीं मिला है मुझे, लाइक मैंने ये पेयर में मंगाया था, ये मुझे इस तरीके से पेयर में मिला है, तो ये कुछ 286 रुपीज़ का, जहाँ तक मुझे इसका प्राइस याद है 286 रुपीज़ में आपको ये दो मिल जाएंगे एंड सिंगल आपको 150 का पड़ता है, तो अगर 286 का भी आप हाफ करोगे तो 143 का कुछ का पड़ेगा। तो आप चाहो तो आप सिंगल भी ले सकते हो फिर, या फिर आप चाहो तो आप इस तरीके से आपके पास यू नो क्रॉकरी ज़्यादा हैं तो आप डबल का पेयर भी ले सकते हो, लाइक इस तरीके से पेयर भी ले सकते हो। तो मैंने ये पेयर मंगाया था एंड दिस इज लुक्स लाइक दैट, लाइक काफ़ी अच्छी इसकी मटेरियल है, इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, स्टर्डी है, ऐसा नहीं है कि बेकार सा स्टील दे दिया है, सो स्टील की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो
अगेन थम्स अप है मेरी साइड से, इसको भी आप बाय कर सकते हो अगर आप चाहो। जो प्रोडक्ट है वो भी एक किचन से रिलेटेड, या फिर आप चाहो तो यू कैन डेकोर इट ऑन योर डाइनिंग टेबल। सो इस तरीके से ये वुडन की मुझे ये स्पून ट्रे काफ़ी पसंद आई थी, लाइक स्पून होल्डर। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का वुडन है, ट्रस्ट मी, दिस इज़ सो स्टर्डी, सो यू नो वेल परफेक्ट इन मटीरियल, बहुत ही अच्छा वुडन है। एंड इसमें इस तरीके से आपको डिज़ाइन पैटर्न मिल जाएगा, वहाँ पे और भी मिल जाएंगे, बट मुझे यही अच्छा लगा, यही सिंपल सा ही हमें चाहिए था, लाइक ज़्यादा कुछ फैंसी भी नहीं चाहिए था, तो इसीलिए हमने ये ऑर्डर किया था। एंड दिस इज़ अगेन इन वेरी अफोर्डेबल प्राइस, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है 150 या 200 रुपीज़ का आपको ईजिली मिल जाएगा। एंड अगर आपके पास यू नो मीशो पे कॉइन्स हैं, अगर आप पहले भी काफ़ी ऑर्डर्स कर चुके हो, तो आप अपने कॉइन्स भी अप्लाई करके अपने ऑर्डर के टोटल पे बिल कम कर सकते हो, तो आपको ये और भी कम का मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें स्पूंस वगैरह रख सकते हो, जहाँ भी चाहो आप किचन में डाइनिंग टेबल पे इसको डेकोरेट कर सकते हो, स्पून या फिर आपने अपने नाइफ्स एंड यू नो फोक्स वगैरह आप इसमें यू नो रख सकते हो। देन नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, मुझे भी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि अभी ऐसे कोई मेरी तो फैमिली नहीं है, बट लाइक एक होता है ना लड़की होने के नाते आपके मन में ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब कभी होगी तो हम ऐसे करके सजाएंगे, ऐसे करेंगे, तो वो सब बहुत दूर की बात है, अभी सोचना भी मत। उसके अलावा ये क्या कहते हैं, मैं जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो दिखाना चाहूँगी, बातों से थोड़ा भटक गई थी, सॉरी फॉर दैट। सो ये इस तरीके से आपको 24 डब्बों का सेट मिल जाएगा, दिस इज द प्लास्टिक का डब्बा, तरीके से ये प्लास्टिक के यू नो ट्रांसपेरेंट डब्बे हैं, एंड दिस डब्बाज यू कैन यूज इन योर यू नो किचन, लाइक ये टोटली किचन के लिए ही है, आप चाहो तो कैसे भी यूज कर सकते हो, बट ये 24 अलग अलग साइज के डब्बों का सेट है, तो यू कैन ओनली यूज इन द किचन इन बेटर वे, लाइक आप अच्छी तरीके से तो किचन में ही यूज कर सकते हो। इस तरीके से आपको एक ये बड़ा वाला साइज मिल जाएगा, लाइक दिस वन सबसे बड़ा साइज, देन उसके बाद आपको मिलेगा इस तरीके से छोटा, ये वाला छोटा साइज, इस तरीके से, इससे थोड़ा सा छोटा, देन इसके बाद आपको मिलेगा उससे थोड़ा सा छोटा साइज, लाइक इस तरीके से, एंड उसके अंदर भी आपको एक सबसे छोटा स्मॉल, ओ सॉरी माय मेस अप, इसके बाद आपको एक सबसे छोटा सा स्मॉल साइज मिल जाएगा। तो इस तरीके से 4 साइजेस में आपको ये डब्बे मिल जाएंगे, जिसमें आप अपने यू नो किचन के स्पाइसेस, दालें, बेसन, हल्दी, मिर्च, धनिया, एवरीथिंग विच वी कैन लाइक विच वी यू नो यूज़ इन आवर डेली यू नो कुकिंग मटीरियल, सो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। इन डब्बों की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, अच्छी है, एंड हर डब्बे के साथ आपको इस तरीके से लाइक एवरी सिंगल डब्बा, एवरी इंडिविजुअल डब्बा, यू विल गेट दिस चम्मच विद दिस यू नो डब्बाज, लाइक अजीब ही लग रहा है इसको डब्बा डब्बा बोलने में, तो इन डब्बों के साथ आपको इस तरीके से चम्मच भी मिल जाएगी, एंड क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इस तरीके से ट्रांसपेरेंट है, तो आपको दिखते भी रहेंगे कि आपकी यू नो जो आपने इसमें सामान रखा हुआ है वो कितना रह गया है, एंड किस में कौन सा सामान है, तो आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने पूरे किचन को यू नो चेंज कर सकते हो, किचन के स्पाइसेस एंड लुक्स को बेटर बना सकते हो, एंड अपनी लाइफ को भी ईजी बना सकते हो इन डब्बों को यू नो बाय करके। ये आपको शायद 600 या 550 रुपीज़ का सेट पड़ जाएगा, तो आप चाहो तो इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये जो डब्बे हैं ये आपको और भी कलर में मिल जाएंगे, लाइक वहाँ पे आप और भी डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर्स एंड यू नो सेलर्स से बाय कर सकते हो, बट मैंने जैसे किया है अगर उसको देखूँ मैं तो उसके पास डिफरेंट कलर्स नहीं अवेलेबल हैं, लाइक मैंने इसी में देखा था, शायद एक ही कलर देखा था, बट ये अच्छा है, एक तरीके से बहुत क्लासी कलर लगता है, तो आप इस तरीके से ले सकते हो, बट अगर आपको डिफरेंट कलर्स में चाहिए तो आप और भी जाके मीशो पे चेक कर सकते हो, मेरे लिंक के थ्रू भी आपको नीचे स्क्रॉल करोगे तो और भी ऑप्शंस आ जाएंगे। एंड बाय द वे मैं ये डब्बा डब्बा बोलते बोलते मुझे एक मूवी याद आ गई, आपको याद है ना वो अब्बा डब्बा चब्बा जिसमें बोलती थी, उस टाइप की मूवी, पता नहीं कौन सी थी वो मूवी कौन सी थी, अगर आपको उसका नाम याद आ जाए, वैसे मुझे याद है मैं नहीं बताऊंगी, अब ये मूवी बताने का काम आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। बाय द वे फिर से टॉपिक से भटक गई, आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगी, दिस इज इन द बिगेस्ट बॉक्स, लाइक बॉक्स तो इतने बड़े बड़े अच्छे करके दिए हुए हैं कि आपका सामान बिल्कुल भी यू नो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। सो इस तरीके का मेरे पास एक और कार्डबोर्ड बॉक्स है जिसमें मुझे नेक्स्ट प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, एंड वो है ये इस तरीके की स्टील की बास्केट, एंड ट्रस्ट मी गाइज ये बास्केट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, इट्स लुक्स सो ब्यूटिफुल ऑन योर डाइनिंग टेबल। अगर आप चाहते हो कि यू नो प्लास्टिक वाली बास्केट है उससे बोर हो गए हो, या फिर कोई बास्केट ऐसी ढूंढ रहे हो जैसे आप चेंज करना चाहते हो, या फिर कुछ अपना फ्रूट्स बास्केट ढूंढ रहे हो, तो इस तरीके से आप ये भी ले सकते हो। 250 रुपीज़ की आपको ये मिल जाएगी, एंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लाइक स्टील की क्वालिटी अगेन इट्स वेरी गुड, लाइक इसकी स्टील की एंड इसके कप स्टैंड के स्टील की क्वालिटी सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं दोनों ही मटेरियल। सो इस तरीके से आप इस बास्केट को भी ले सकते हो, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे फ्रूट्स इसमें रखे हुए। सो या यू कैन ट्राई दिस प्रोडक्ट्स ऑल्सो। द नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगी, एंड वो है इस तरीके से चॉपर, लाइक ये तो सबको ही पता होगा आजकल, अगर नहीं पता है फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से आप जो सब्जियाँ हैं ना वो चॉप कर सकते हो इसमें, एंड कुछ यू नो अपना मट्ठा दही कुछ है तो उसके लिए भी अलग से आपको एक यू नो कॉम्पोनेंट दिया है, इससे आप मर सकते हो, ये इस तरीके से दिया हुआ है। एंड देन सेकेंड वन
ये चॉप करने के लिए दिया हुआ है, इसमें ब्लेड्स लगे हैं, तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पे फिट करोगे एंड देन इसको ऊपर से इस तरीके से बंद करोगे एंड इस तरीके से आप, अभी तो मैं सही से नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं आपको डेमो ही दिखा रही हूँ, बस इस तरीके से आपको ऐसे ऐसे करके करना है तो आपकी सारी सब्जियाँ ईजिली चॉप हो जाएंगी। सुबह में अगर बहुत सारे किचन में यू नो हमारी मम्मियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मेरी मम्मी को तो खासकर बहुत दिक्कत होती है, बहुत कंप्लेन करती है कि भाई टाइम नहीं है टाइम नहीं है एंड ऑफिस के लिए पापा को ऐसे सब्जियाँ जल्दी से चॉप करके बना के देनी है, तो आप इस तरीके से इसको यूज़ में ले सकते हो एंड मेरे जैसे आलसी लड़कियों के लिए जो उनको किचन का काम ज़्यादा पसंद नहीं है वो भी इसे यूज़ कर सकती हैं, तो आप ले सकते हो इसको डेफिनेटली। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है एक जूसर एंड मेरी मम्मा को जूसर बहुत दिनों से चाहिए था, लाइक फ्रॉम अ मेनी डेज शी वॉन्ट्स अ जूसर, सो इस तरीके से ये प्रोडक्ट इस तरीके से मुझे रिसीव हुआ है। इसका कार्डबोर्ड बॉक्स तो एकदम डैमेज हो चुका है बट मुझे ये जो जूसर है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का एंड काफ़ी अच्छा रिसीव हुआ था, लाइक मैं पहले रिव्यूज़ पढ़ लेती हूँ तभी बाई करती हूँ, बट अभी तो ये नहीं चल रहा है, लाइक इसकी बैटरी मुझे लगता है डाउन हो गया, बट जब ये आया था तो ये चल रहा था ऑटोमेटिकली, लाइक डबल बार आपको यहाँ से बटन पुश करना था एंड अंदर में ये ब्लेड लगा है और आप इसमें अपने फ्रूट्स यू नो कट करके यहाँ से इसको खोल के इस तरीके से फ्रूट्स कट करके इसमें डाल के एंड इस तरीके से इसको बंद करके इसको चला सकते हो। देन इसमें आपको ये अगर जैसे बैटरी डाउन हो जाए तो ये आपको साथ में केबल भी दिया हुआ है, देन यू कैन जस्ट अटैच योर अडैप्टर, अपने चार्जर का अडैप्टर में अटैच करके एंड इस तरीके से इसको फिट करके इस जूसर में आप इस तरीके से यू नो लाइट से भी चला सकते हो, तो ये आपको मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। साइड में मैं लगा दूंगी इसकी एक पिक चलते हुए कैसा है, लाइक वीडियो लगा दूंगी तो आप वो देख लेना कि ये किस तरीके का है, बट मुझे तो काफ़ी अच्छा रिसीव हुआ है। बाकी मैं इसका एक रिव्यू आपको फिर किसी शॉर्ट्स में दे दूंगी जब भी हम इससे जूस निकालेंगे, अभी तक हमने जूस ही नहीं निकाला, काफ़ी दिन से हम सोच रहे थे निकालने की बट नहीं निकाला, हॉल बनाने के लिए बैठी हुई थी। देन नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो कुछ मेरे यू नो मेकअप से रिलेटेड है, बाकी आप चाहो तो मल्टी वे में आप इसको यूज़ कर सकते हो मल्टीपर्पज़ में, सो ये भी कुछ मुझे अच्छी सी यू नो पैकेजिंग में रिसीव। इस तरीके से ट्रे है एंड ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ट्रे है, लाइक प्लास्टिक की एंड इसमें आपको पीछे इस तरीके से व्हील दिया है, सो यू कैन जस्ट रोटेट दिस व्हील, लाइक यू कैन जस्ट रोटेट दिस ट्रे विद द हेल्प ऑफ दिस व्हील विच यू विल गेट विद दिस यू नो बास्केट और समथिंग आप कह सकते हो ट्रे। तो इस तरीके से मैं आप इसमें अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स रख लूँगी, कुछ भी रख लूँगी, लाइक आप कुछ भी रख सकते हो, आप इसको किचन में भी यूज़ कर सकते हो, लाइक अपने यू नो कैस्टर ऑयल एंड यू नो कुकिंग ऑयल का आप इसमें सारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स रख सकते हो, अपना यू नो रिफाइंड वगैरह, बट मैं इसको मेकअप के लिए मंगाई हूँ तो मैं मेकअप में ही यूज़ करूँगी। मेकअप के लिए आई जस्ट बॉट दिस एंड मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, कलर उसमें यही दिखाई दे रहा था, कलर कोई और अवेलेबल नहीं था, लाइक उस सप्लायर पे यही कलर अवेलेबल था बट मुझे कोई ऐसे कलर की दिक्कत नहीं थी, तो मैंने अभी तो ऐसे ही मंगा लिया, बाकी जब मैं अपने रूम वगैरह को किसी और यू नो थीम में ऑर्गेनाइज करूँगी तब की तब देखी जाएगी, तब मैं देख लूँगी कि किस कलर का मुझे चाहिए, बट अभी मेरे लिए यही वर्क कर जाएगा, लेकिन क्वालिटी वेरी वेरी गुड एंड ये भी बहुत अफोर्डेबल थी, आई थिंक 150 रुपीज़ की या 110 रुपीज़ की, आई डोंट नो 150 की थी, 110 की तो नहीं होगी, 150 की या फिर इससे थोड़े से ऊपर थी, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी लगी तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। थम्स अप प्रोडक्ट। हॉल का जो नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट है वो कुछ इतने बड़े बॉक्स में है, मैंने कोई LCD नहीं मंगाया है, डोंट वरी गाइज, मैंने मंगाई है दिस यू नो इस तरीके से बर्तन रखने की ट्रे और बास्केट, यू कैन से जब आप अपने यू नो बर्तनों को अपने को वॉश कर लेते हो देन आपको चाहिए होता है कुछ ऐसे कि हम उसमें रख लें, तो आप इस तरीके की बास्केट में रखते हो, तो ये कुछ इतनी बड़ी बास्केट है, लाइक साइज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मेरी मम्मी को तो तब भी छोटा लगा बट मुझे ये ठीक ठाक मीडियम साइज़ लग रहा है, लाइक एप्रोप्रिएट प्रॉपर परफेक्ट साइज़ जो होता है ना वो लग रहा है मुझे इस तरीके से। इसमें कलर आपको और भी मिल जाएंगे, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसमें आपको साथ में ये होल्डर भी दिया है, लाइक यू विल गेट दिस होल्डर अगेन फॉर योर स्पून्स टू स्टोर लाइक आफ्टर वॉशिंग, अगर आप जैसे वॉश करते हो अपने बर्तनों को जब भी या फिर आपके घर में मेड आती है तो वो जैसे भी चम्मच वगैरह इसमें साथ में डाल देती है तो प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे ढूंढने में और ऐसे, तो वो साथ में लाइक ऑल दैट ऑन ड्यूरिंग दैट टाइम आप साथ में इसको रख सकते हो, चम्मच को यहाँ पे भी स्टोर कर सकते हो, तो आपको इससे कोई ईजी हो जाएगा एंड देन साथ में आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी मिल रहा है, इसमें नीचे ये ट्रे दी है इस तरीके से, तो आप इसके ऊपर इसको रखोगे तो आपका जो भी जितना बर्तनों का जो पानी एक्सेस यू नो वाटर होता है ना वो सारा यहाँ से इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है, तो बहुत ईजिली आपके यू नो बर्तन सारे ड्राई हो जाएंगे, क्विकली ड्राई हो जाएंगे, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में थी, ये भी आई गेस 250 रुपीज़ की मिल जाएगी या 270 की ईजिली, तो मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, मेरी तरफ से अगेन थम्स अप प्रोडक्ट है, घर में मम्मी पापा सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो इस तरीके से आप इसको भी बाय कर सकते हो, लाइक ये तो मस्ट हैव्स हैं आपकी किचन के लिए, तो आप इस तरीके से इन प्रोडक्ट्स को ले सकते हो। तो यही कुछ प्रोडक्ट्स थे जो मैंने मीशो से लिए थे, लाइक दो और भी प्रोडक्ट्स थे, एक तो आप साइड में यहाँ पे देख लो रैक होल्डर था वो, लाइक रैक होल्डर नहीं रैक
शूज स्टैंड था वो, मैं कुछ भी बोलती हूँ, लाइक शूज स्टैंड था वो, एंड मैंने वो लिया था। एंड जब मैंने उसको मंगा के यू नो खुद से लाइक उसको जोड़ा एंड पूरा यू नो बिल्डअप किया, तो खुद से करने के बाद मेरे ऐसे ना हवा टाइट हो गई एकदम, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी थी वो तो अच्छी थी, बट उसमें जो यू नो अपनी मैथमेटिक्स लगाई थी ना उन लोगों ने बनाने की, कि जो उसका यू नो रॉड होती है ना वो सारी सेम लग रही थी देखने में, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। हम जब इधर से अटैच कर रहे थे तो साइड से निकल जा रही थी, साइड से अटैच कर रहे थे तो इधर से निकल जा रही थी। एंड मैंने काफ़ी कोशिश की कि कोई ना कोई यू नो जुगाड़ करके ऐसे अटैच हो जाए, या फिर ज़्यादा कस दे रही थी तो साइड से यू नो उसको नहीं मिल रहा था स्पेस, ऐसे समझ जाओ आप। तो मैं बहुत ज़्यादा उसको खुद से बिल्ड कर रही थी, आप देख सकते हो यहाँ साइड में मैं कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, बट फिर भी वो नहीं यू नो मुझे सही लगी। और इतना झीकने के बाद मैंने उसको जस्ट रिटर्न करना ही सही समझा। मैंने कहा अगर मैं इस पर कुछ हैवी भी रख दूंगी और ज़रा सा पुश भी कर दूंगी तो भी एक साइड से निकल के गिर जाएगा, एंड हर टाइम हमें फिर वो अटैच करके सही करना पड़ेगा, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो मैंने उसको रिटर्न करवा दिया, जस्ट उसको रिटर्न पॉलिसी में डाल दिया। एंड रिटर्न बहुत ईजी है मीशो पे, आप जैसे ही आपका पिकअप हो जाता है उसके आपको पिकअप के आफ्टर 10 मिनट्स के अंदर आपको आपके जो अकाउंट में आपको बैलेंस आपका पूरा का पूरा रिफंड हो जाता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। एंड देन साइड में एक प्रोडक्ट और देखो, जो प्लास्टिक की ट्रेस थी, इस तरीके से काफ़ी अच्छी काफ़ी चल रही है। एंड ये अमेजोन पे काफ़ी ज़्यादा महंगी है बट मीशो पे सस्ती है, बट हमारे साथ क्या हुआ कि हमें ना यू नो ब्रोकन रिसीव हुई, एंड ब्रोकन से हम दोबारा भी मंगा सकते थे, बट मैंने बाद में बोल दिया कि ठीक है अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये वैसे भी यूज़ में नहीं लगी, ये मेकअप वेकअप में ही ज़्यादा आएगी, एंड मेकअप का उनको स्टोरेज नहीं चाहिए था, उनको कुछ और डिफरेंट चाहिए था, तो उन्होंने वो रिटर्न ही करा दी। फिर हमने दोबारा बाय नहीं किया तो उसका भी हमें रिफंड मिल गया। सो इस तरीके से मैंने ये पूरा हॉल बनाया है। तो अगर ये हॉल आपको पसंद आया हो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल बाई हिट द रेड बटन एंड प्लीज ऑन लाइक यू नो बेल बटन, सो यू कैन नोटिफाइड विद माई एवरी सिंगल वीडियो। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा ही यू नो फेस्टिव सीजन से रिलेटेड चीज़ें लेके आने वाली हूँ, एंड इसी तरीके के हॉल्स आपको और मिल जाएंगे। अगर आप मीशो के इस तरीके के किचन हाउस होल्ड हॉल्स चाहते हो, एक और कोई पार्ट टू या फिर कुछ, तो मुझे डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं कुछ और भी सामान मैंने पहले से ही ऑर्डर कर दिया है, वो अभी रिसीव नहीं हुआ है, जब आ जाएगा तो मैं उसका भी एक छोटा सा हॉल आपके साथ शेयर कर दूंगी। एंड अगर आपको पसंद आया हो, आप देखने में इंटरेस्टेड हो फॉर मोर, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बी काइंड टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स आल्सो, लव यू, बाय।